हेलो स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद मारूस उद्दीकीकी योर साइंस टीचर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड इन केमिस्ट्री द नेम ऑफ़ चैप्टर सेकंड इज़ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्या हमारे चारों ओर उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं एंड द नेम ऑफ टुडे टॉपिक इज मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स students first of all we will read the topic after that we will explain the topic introduction how do we judge whether milk ghee butter salt spices mineral water or juice that we buy from the market are pure have you even noticed the word pure written on the packs of these con consumable for a common person pure means having no Adulteration. But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles in other words a pure substance is a pure single form of a thing as we look around we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components for example sea water minerals soils etc are all mixtures what is a mixture mixtures are constituted by the more than one kind of pure form of matter or elements or compound example मिक्सचर ऑफ़ शुगर एंड वाटर मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ़ द कम्पोनेट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होमोजीनियस मिक्सचर एंड नेक्स्ट हैट्रोजीनियस मिक्सचर इस्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें मार्किट में देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में हम लोग देखते हैं उस पर ये लिखा रहता है कि ये प्योर है मीन्स शुद्ध है चाहे वो घी हो दूध हो बटर हो साल्ट स्पाइसेस, मसाले मिनरल वाटर या जूस वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों ने इस चीज़ को लिखा हुआ देखा भी होगा जो खाई जाने वाली चीज़ें होती उनके ऊपर लिखा रहता है लेकिन अगर हम कॉमन प्योर की बात करें तो कॉमन प्योर में जो साइंटिस्ट जो होते हैं एक्चुअली में जब वो इन सब सारे पदार्थों का निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण के बाद ये उसका रिजल्ट निकालते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें प्योर नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिल्क है दूध है तो दूध जो है ये भी एक मिक्सचर है कहने के लिए आप प्योर कहते हैं लेकिन उसमें वाटर भी है फैट भी है प्रोटीन भी है और जब इसी चीज़ को कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये क्या है प्योर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उस पदार्थ में जो शामिल आपके कण हैं उन सभी सारे उपस्थित प्योर पदार्थ में जो भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर है जो रासायनिक प्रकृति है सबकी क्या है सेम है इस बेस पे साइंटिस्ट कहता है कि वो पदार्थ क्या है शुद्ध है और कोई भी एक प्योर पदार्थ जो होगा उसमें उनके पार्टिकल्स जो होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उनमें एक ही प्रकार के एक ही चीज़ें थी मिली होती हैं समान स्वभाव वाली अब हम लोग देखते हैं पदार्थ क्या है पदार्थ जो है सॉरी मिक्सचर मिश्रण क्या है मिक्सचर का मतलब मिश्रण जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के चीज़ें चाहे वो मैटर के फॉर्म में हो या एलिमेंट के फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो जब मिली होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण मिक्सचर मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि उस मिक्सचर में जो उपस्थित कंपोनेंट्स हैं जो तत्व तो हैं उनका नेचर कैसा है उस नेचर के बेस में हम कह सकते हैं कि मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हैट्रोजीनियस मिक्सचर अब हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी लोग इसको लर्न करिएगा